आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है ऊंचाई तो ऊंचाई फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से OTT platform, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर एक प्रॉपर डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहां पे मैं फिल्म की कहानी के ऊपर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस करके बताऊंगा फिल्म के स्टार का सफर्टिंग परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत करेंगे फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट

तासा मालपानी ओसवाल और अजित कुमार बरजातिया ने जहाँ पे इस फिल्म को राजसरी प्रोडक्शन माहवीर जी फिल्म और बाउंडलेस मीडिया के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था इस फिल्म को करीबन पंद्रह बीस करोड़ का एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को यशराज फिल्म ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई ने की हुई थी एडिटिंग श्वेता वेंकट मेथ्यू ने की हुई थी इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे पचास मिनट की देखने को मिलेगी करीबन पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जोआर जोशी अपने काम किया हुआ है जहाँ इस फिल्म में टोटल सात गाने सभी वर्जन को मिला के म्यूजिक के राइट्स से उसी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म के जो गाने हैं वो अलग अलग तरीके से कंपोज कर गए थे अलग अलग आर्टिस्ट के पास कंपोज कर गए थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है वो जी और जोसेफ ने कंपोज किया हुआ था फिल्म के गाने को अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे तो आर्टिस्ट के बारे में जैसे कि फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे अमित श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है अनुपम खेर ने ओम शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है बोमन ईरानी ने जावेद सिद्दीकी का रोल प्ले किया हुआ है परिणीति चोपड़ा ने श्रद्धा गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है नीना गुप्ता ने सबीना सिद्धिकी का रोल प्ले किया हुआ है सारिका ने माला त्रिवेदी का रोल प्ले किया हुआ है डैनी दैन गुप्ता ने इस फिल्म में भूपेन का रोल प्ले किया हुआ है नफीसाली ने अभिलेषा श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है श्री दास ने इस फिल्म में हिबा सिद्धकी का रोल प्ले किया हुआ अभिषेक ने वाली का रोल प्ले किया था किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट से स्टार्ट करते अक्टूबर दो में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था जहाँ पे सूरज प्रजाता ने कहा था कि वो एक फिल्म लेके आ रहे जिसका नाम रखेंगे ऊंचाई और प्रेम रतन तन पाए के बाद उनके

नफिसा अली को इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट कास्ट किया गया था अभिषेक तो फिल्म की शुरुआत की अक्टूबर को की गई थी परिणीति चोपड़ा अनुपम खेर और बोमन ईरानी के साथ वहीं पे अमिताभ बच्चन ने फिल्म के सेट को दिसंबर दो में ज्वाइन किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के लोकेशन अलग अलग जगह के रखे गए थे खास करके नेपाल में लुकला काठमांडो में फिल्म को शूट भी किया गया था वहीं पे इस फिल्म को कारगिल दिल्ली मुंबई उत्तर प्रदेश में शूट किया गया था मार्च 2022 तक इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा ने अपने पोर्शन को कंप्लीट कर लिया था वहीं पे बाकी की काश ने पूरी तरह से फिल्म को दो अप्रैल दो तक शूट तरीक करके कम्प्लीट करवाया होता है तो इस तरह से फिल्म की जो शूटिंग है उसके ऊपर काम किया गया था साउंड ट्रेक के ऊपर बातचीत करें तो गानों को कंपोज किया हुआ है अमित त्रिवेदी ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जो और जोसेफ ने इन गानों के राइट से उसी म्यूजिक कंपनी के पास दो हजार इक्कीस में रिकॉर्ड किए गए थे 18 अक्टूबर 2022 को इसको ऑफिशियल यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में एक गाने कुछ गाने पुराने सुनने को मिलते ये जीवन है किशोर कुमार का वहीं पे नाइनटीन का पिया का घर है वो गाना भी इस फिल्म में डाला हुआ है तो ये कुछ गाने जो इस फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से सेट किए हुए इसके अलावा और भी कई ऐसे गाने जो इस फिल्म के प्लॉट में सेट किए हुए इसके अलावा केटी को इसके अलावा अरे वो अंकल हा कर दे लड़की पहाड़ी सवेरा और लड़की पहाड़ी बोनस वर्जन लड़की पहाड़ी मोहितुआन वर्जन इस तरह से अलग अलग गाने जिसको फिल्म में सेट किया हुआ था ये गाने अभी फिलहाल मैं आप ऑफिशियली यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो कहानी के ऊपर बातचीत करे जिस तरह से मैंने कहा कि तीन एज फ्रेंड है अमित ओम जावेद जहाँ पे वो एक एवरेस्ट बेस कैंप में ट्रेक के लिए जाते हैं जो अपने चौथा तो दोस्त है भोपिन उसकी लास्ट विश पूरी करने के लिए और उसको बाद में ज्वाइन तो करती है माला इसके बाद में जब वो जाते तभी उनको ज्वाइन कर लेते इसके अलावा इसके इसमें आपको टूरिस्ट के रोल में देखने को मिलेगी श्रद्धा गुप्ता का किरदार प्ले करे पर चोपड़ा वो और इन सभी जर्नी में पर्सनल इमोशनल स्पिरिचुअल जर्नी देखने को मिलती है जहाँ पे इन एजेड पर्सन की जो फिजिकल लिमिटेशन है उसके बावजूद वो जिस तरह से फ्रीडम का फ्रेंडशिप का एक जो ट्रू वर्ड डिस्कवर कर थे वो फिल्म की कहानी को और बेहतर बनाता है जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन बढ़िया था कहानी के डायलॉग अच्छे थे स्टोरी का आइडिया अच्छा था अब फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था फिल्म को करीबन पंद्रह बीस मिनट जो जितना छोटा किया जा सकता था जो तीन घंटे के आसपास की फिल्म है उसको करीबन ढाई घंटे के आसपास का बनाया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म की स्टारकास्ट की जो परफॉर्मेंस से वो लाजवाब है फिल्म में सभी की नेचुरल परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है टेक्निकली फिल्म काफी मजबूत नजर आती है सिनेमाटोग्राफी जिस तरह से लोकेशन दिखाए वो बढ़िया है एडिटिंग का काम में जैसे काम बीस मिनट

लेकिन क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से खास करके जो एक बड़ी लेंथ रखी हुई 170 मिनट की वो ज्यादा इक्का लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था दूसरे दिन तीन करोड़ चौसठ लाख का तीसरे दिन चार करोड़ इकहत्तर लाख का तो इस तरह से फिल्म का पहला वीकेंड दस करोड़ सोलह लाख का इंडिया से निकला हुआ था दूसरा वीकेंड था छह करोड़ छह लाख का तीसरा वीकेंड दो करोड़ बीस लाख का वहीं पे चौथा वीकेंड है वो एक करोड़ तेईस लाख का तो इस तरह से फिल्म ने चार वीकेंड निकाले हुए थे और पहले वीक में सत्रह करोड़ बीस दो लाख का कलेक्शन किया था इंडिया से दूसरे वीक में नौ करोड़ चालीस लाख का तीसरे वीक में तीन करोड़ चालीस लाख का चौथे वीक में एक करोड़ नब्बे लाख का तो इस तरह से इंडिया से इतना वीक वीक बाय फिल्म फिल्म ने ने नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इस इस तरह से इस फिल्म ने टोटल जो चार वीक का नेट कलेक्शन है वो करीबन इकतीस करोड़ अड़सठ लाख का किया हुआ था वहीं पे ओवरसीज में इस फिल्म ने थोड़ा डिसेंट कलेक्शन करते हुए करीबन आठ करोड़ अट्ठाईस लाख का ओवरसीज का कलेक्शन था तो इंडिया का जो ग्रोस कलेक्शन था वो करीबन अड़तीस करोड़ के आसपास का था और ओवरसीज का ग्रोस कलेक्शन

ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जहाँ पे फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सूरज आर पर जाचा ने जहाँ पे कहानी का आइडिया वो सोनल गांधी का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है स्क्रीन प्ले वो लिखा हुआ है अभिषेक दीक्षित ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कमल कुमार बरजातिया महावीर जैन लेट राजकुमार बरजातिया नताशा मालपानी ओसवाल और अजित कुमार बरजातिया ने जहाँ पे इस फिल्म को राजसरी प्रोडक्शन माहिर जी फिल्म और बाउंडलेस मीडिया के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था इस फिल्म को करीबन पंद्रह बीस करोड़ का एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म को यशराज फिल्म्स ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था सिनेमेटोग्राफी मनोज कुमार खटोई ने की हुई थी एडिटिंग श्वेता वेंकट मेथ्यू ने की हुई थी इस फिल्म को 170 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे 50 मिनट की देखने को मिलेगी करीबन पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जोर जोसेफ ने काम किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म में टोटल सात गाने सभी वर्जन को मिला के म्यूजिक के राइटी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए है इसके अलावा इस फिल्म के जो गाने हैं वो अलग अलग तरीके से कंपोज करा गए थे अलग अलग आर्टिस्ट के पास कंपोज करा गए थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है वो जिये अपने कंपोज किया हुआ था फिल्म के गाने को अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे आर्टिस्ट के बारे में जैसे कि फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन आपको लीड रोल में देखने को मिलेगा अमित श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है अनुपम खेर ने ओम शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है बोमन ईरानी ने जावेदिकी का रोल प्ले किया हुआ है परिणीति चोपड़ा ने श्रद्धा गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है नीना गुप्ता ने सबीना सिद्धिकी का रोल प्ले किया हुआ है सारिका ने माला त्रिवेदी का रोल प्ले किया हुआ है डेनी देनगुप्पा ने इस फिल्म भूपेन का रोल प्ले किया हुआ है नफीसा अली ने अभिलेषा श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है श्री दास ने इस

जाएंगे और उनकी जर्नी जहां पे डेनी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद पूरी तरह से कहानी में ट्विस्ट आता है और वो फ्रेंडशिप पे उसकी ओरिजिनल वैल्यू दिखाई जाती है इसके अलावा इस फिल्म में नीना गुप्ता सारिका उनको भी साइन किया गया था जहाँ पे सारिका काफी लंबे समय के बाद करीबन 2016 में बार बार देखो फिल्म में दिखी थी उसके बाद उनका एक कम था इसके अलावा अक्टूबर दो में वे बताया गया था कि परिणीति चोपड़ा आपको टूरिस्ट गाइड के रोल में इस फिल्म में देखने को मिलेगी इसके अलावा नफीसा अली को इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट कास्ट किया गया था टेलीविजन एक्टर हिदास और अभिषेक सिंह पठानिया को इस फिल्म में एक चांस दिया गया था जहाँ पे उनका ये बॉलीवुड डेब्यू था तो इस तरह से कास्टिंग के ऊपर भी काम किया गया फिल्म की फिल्मिंग की शुरुआत अक्टूबर दो हजार इक्कीस को की गई थी परिणीति चोपड़ा अनुपम खेर और बोमन ईरानी के साथ वहीं पे अमिताभ बच्चन ने फिल्म के सेट को दिसंबर दो में ज्वाइन किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के लोकेशन अलग अलग जगह के रखे गए थे खास करके नेपाल में लुकला काठमांडो में फिल्म को शूट भी किया गया था वहीं पे इस फिल्म को कारगिल दिल्ली मुंबई उत्तर प्रदेश में शूट किया गया था मार्च दो तक इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा ने अपने पोजन को कंप्लीट कर लिया था वहीं पे बाकी की काश ने पूरी तरह से फिल्म को दो अप्रैल 2022 तक शूट तरीक करके कंप्लीट करवाया होता है तो इस तरह से फिल्म की जो शूटिंग है उसके ऊपर काम किया गया था साउंड रेक के ऊपर बातचीत करें तो गानों को कंपोज किया हुआ है अमित त्रिवेदी ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जोर जोसेफ ने इन गानों के राइट से उसी म्यूजिक कंपनी के पास दो हजार इक्कीस में रिकॉर्ड किए गए थे अट्ठारह अक्टूबर दो को इसको ऑफिशियल यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में एक गाने कुछ गाने पुराने सुनने को मिलते है ये जीवन है किशोर कुमार का वहीं पे नाइनटीन का पिया का घर है वो गाना भी इस फिल्म में डाला हुआ है तो ये कुछ गाने जो इस फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से सेट किए हुए इसके अलावा और भी कई ऐसे गाने जो इस फिल्म के प्लॉट में सेट किए हुए इसके अलावा को इसके अलावा अरे वो अंकल हाँ कर दे लड़की पहाड़ी सवेरा और लड़की पहाड़ी बोनस वर्जन लड़की पहाड़ी मोहित चौहान वजन इस तरह से अलग अलग गाने जिसको फिल्म में सेट किया हुआ था एक गाने अभी फिलहाल मैं आप ऑफिशियली यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो कहानी के ऊपर बातचीत करे जिस तरह से मैंने कहा कि तीन एज फ्रेंड है अमित ओम जावेद जहाँ पे वो एक एवरेस्ट बेस कैंप में ट्रेक के लिए जाते हैं जो अपने चौथा दोस्त है भूपेन उसकी लास्ट विश पूरी करने के लिए और उसको बाद में ज्वाइन करती है माला इसके बाद में जब वो जाते उनको ज्वाइन कर लेते हैं इसके अलावा इसके इसमें आपको टूरिस्ट के रोल में देखने को मिलेगी श्रद्धा गुप्ता का किरदार प्ले करे पर चोपड़ा वो और इन सभी जर्नी में पर्सनल इमोशनल स्पिरिचुअल जर्नी देखने को मिलती है जहाँ पे इन एजेड पर्सनस की जो फिजिकल लिमिटेशन है उसके बावजूद वो जिस तरह से फ्रीडम का फ्रेंडशिप का एक जो ट्रू वर्ड डिस्कवर थे वो फिल्म की कहानी को और बेहतर बनाता है जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन बढ़िया था कहानी के डायलॉग अच्छे थे स्टोरी का आइडिया अच्छा था, था। हाँ फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था फिल्म को करीबन पंद्रह बीस मिनट जो जितना छोटा किया जा सकता था जो तीन घंटे के आसपास की फिल्म है उसको करीबन ढाई घंटे के आसपास का बनाया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म की स्टारकास्ट की जो परफॉर्मेंसिस वो लाजवाब है फिल्म में सभी की नेचुरल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है टेक्निकली फिल्म काफी मजबूत नजर आती है सिनेमाटोग्राफी जिस तरह से लोकेशन दिखाए वो बढ़िया है एडिटिंग का काम में जैसे कहा मैंने बीस मिनट जितनी छोटी की जा सकती थी म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स काफी बढ़िया है फिल्म के हिसाब से अच्छी तरह से सेट हुए रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 11 नवंबर 2022 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था जहां पर क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक जहाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था और इस फिल्म को आई एम पे करीबन छत्तीस वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म को क्रिटिक्स के तरफ से जो से, जो डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी उसके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था लेकिन क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से खास करके जो. एक बड़ी लेंथ रखी हुई 170 सौ सत्तर की वो ज्यादा से के तो पहले दिन एक करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था दूसरे दिन तीन करोड़ चौसठ लाख का तीसरे दिन चार करोड़ इकहत्तर लाख का तो इस तरह से फिल्म का पहला वीकेंड दस करोड़ सोलह लाख का इंडिया से निकला हुआ था दूसरा वीकेंड था छह करोड़ छह लाख का तीसरा वीकेंड दो करोड़ बीस लाख का वहीं पे चौथा विकेंड है वो एक करोड़ तेईस लाख का तो इस तरह से फिल्म ने चार वीकेंड निकाले हुए थे और पहले वीक में सत्रह करोड़ बीस दो लाख का कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से दूसरे वीक में नौ करोड़ चालीस लाख का तीसरे वीक में तीन करोड़ चालीस लाख का चौथे वीक में एक करोड़ नब्बे तो से इंडिया से इतना वीक 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 बाय फिल्म फिल्म ने ने नेट नेट कलेक्शन कलेक्शन किया हुआ था तो इस इस तरह से इस फिल्म ने टोटल जो चार वीक का नेट है वो इकतीस करोड़ अड़सठ लाख का किया हुआ था वहीं पे ओवरसीज में इस फिल्म ने थोड़ा डिसेंट कलेक्शन करते हुए करीबन आठ करोड़ अट्ठाईस लाख का ओवरसीज का कलेक्शन था तो इंडिया का जो ग्रोस कलेक्शन था वो करीबन अड़तीस करोड़ के आसपास का था और ओवरसीज का ग्रोस कलेक्शन

फाइव के ऊपर एंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट चैनल आपको जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म को फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर टाइटल के ऊपर आपको, आपको ये फिल्म जी सिनेमा टेली के टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली टेलीविजन और ओटी टी के ऊपर एंजॉय कर सकते हो ऊंचाई जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है

इस फिल्म के जो गाने हैं वो अलग अलग तरीके से कंपोज करा गए थे अलग अलग आर्टिस्ट के पास कंपोज करा गए थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है वो जीओर जो से अपने कंपोज किया हुआ था फिल्म के गाने को अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे आर्टिस्ट के बारे में जैसे कि फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे अमित श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है अनुपम खेर ने ओम शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है बोमन ईरानी ने जावेद सिद्दीकी का रोल प्ले किया हुआ है परिणीति चोपड़ा ने श्रद्धा गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है नीना गुप्ता ने सबीना सिद्धिकी का रोल प्ले किया हुआ है सारिका ने माला त्रिवेदी का रोल प्ले किया हुआ है डेनी दीन गोप्ता ने इस फिल्म में भूपेन का रोल प्ले किया हुआ है नफीसा अली ने अभिलेषा श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है श्री दास ने इस फिल्म में बाकी का रोल प्ले किया हुआ है अभिषेक पाठान्या ने इस फिल्म में वाली का रोल प्ले किया हुआ है राजू खेर को इस फिल्म में गगन गुड्डू शर्मा का रोल दिया गया था और इस फिल्म में आपको गिरीश शर्मा भी देखने को मिलेंगे तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट ने किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं अक्टूबर दो में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था जहाँ पे सूरज प्रजाता ने कहा था कि वो एक फिल्म लेके आ रहे जिसका नाम रखेंगे ऊंचाई और प्रेम रतन तन पाए के बाद उनकी एक कम फिल्म होने वाले करीबन छह सात सालों

और उनकी जर्नी जहाँ पे डेनिक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद पूरी तरह से कहानी में ट्विस्ट आता है और वो फ्रेंडशिप है उसकी ओरिजिनल वैल्यू दिखाई जाती है इसके अलावा इस फिल्म में नीना गुप्ता सारिका उनको भी साइन किया गया था जहाँ पे सारिका काफी लंबे समय के बाद करीबन दो हजार सोलह में बार बार देखो फिल्म दिखी थी उसके बाद उनका एक कम था इसके अलावा अक्टूबर दो में बताया गया था कि परिणीति चोपड़ा आपको टूरिस्ट गाइड के रोल में इस फिल्म देखने को मिलेगी इसके अलावा नफीसा अली को इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट कास्ट किया गया था टेलीविजन एक्टर रिदास और अभिषेक सिंह पठानिया को इस फिल्म में एक चांस दिया गया था जहाँ पे उनका ये बॉलीवुड डेब्यू था तो इस तरह से कास्टिंग के ऊपर भी काम किया गया फिल्म की की फिल्मिंग शुरुआत हजार इक्कीस को की गई थी परिणिति चोपड़ा अनुपम खेर और बोमन ईरानी के साथ वहीं पे अमिताभ बच्चन ने फिल्म के सेट को दिसंबर दो हजार इक्कीस में ज्वाइन किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के लोकेशन अलग अलग जगह के रखे गए थे खास करके नेपाल में लुकला काठमांडू में फिल्म को शूट भी किया गया था वहीं पे इस फिल्म को कारगिल दिल्ली मुंबई उत्तर प्रदेश में शूट किया गया था मार्च दो तक इस फिल्म में परिणी चोपड़ा ने अपने पोजन को कंप्लीट कर लिया था था वहीं पे बाकी की कास्ट ने पूरी तरह से फिल्म को दो अप्रैल 2022 तक शूट तरीक करके कंप्लीट करवाया होता है तो इस तरह से फिल्म की जो शूटिंग है उसके ऊपर काम किया गया था साउंड ट्रेक के ऊपर बातचीत करें तो गानों को कंपोज किया हुआ है अमित त्रिवेदी ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जो जोसेफ ने इन गानों के राइट से उसी म्यूजिक कंपनी के पास ही दो हजार में रिकॉर्ड किए गए थे 18 अक्टूबर 2022 को इसको ऑफिशियल यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में एक गाने कुछ गाने पुराने सुनने को मिलते ये जीवन है किशोर कुमार का वहीं पे नाइनटीन का पिया का घर है वो गाना भी इस फिल्म में डाला हुआ है तो ये कुछ गाने जो इस फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से सेट किए हुए इसके अलावा और भी कई ऐसे गाने जो इस फिल्म के प्लॉट में सेट किए हुए इसके अलावा केटी को इसके अलावा अरे ओ अंकल हा कर दे लड़की पहाड़ी सवेरा और लड़की पहाड़ी बोनस वर्जन लड़की पहाड़ी मोहित चौहान वर्जन इस तरह से अलग अलग गाने जिसको फिल्म में सेट किया हुआ था ये गाने अभी फिलहाल मैं आप ऑफिशियली यूट्यूब पे म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो कहानी के ऊपर बातचीत करे इस तरह से मैंने कहा कि तीन एज फ्रेंड है अमित ओम जावेद जहाँ पे वो एक एवरेस्ट बेस कैंप में एक ट्रिक के लिए जाते हैं जो अपने चौथा दोस्त है भूपेन उसकी लास्ट विश पूरी करने के लिए और उसको बाद में ज्वाइन तो करती है माला इसके बाद में जब वो जाते तभी उनको ज्वाइन कर लेते है इसके अलावा इसके इसमें आपको टूरिस्ट के रोल में देखने को मिलेगी श्रद्धा गुप्ता का किरदार प्ले करे पर चोपड़ा वो और इन सभी जर्नी में पर्सनल इमोशनल स्पिरिचुअल जर्नी देखने को मिलती है जहां पे इन एजेड पर्सनस की जो फिजिकल लिमिटेशन है उसके बावजूद वो जिस तरह से फ्रीडम का फ्रेंडशिप का एक जो ट्रू वर्ड डिस्कवर करते वो फिल्म की कहानी को और बेहतर बनाता है जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन बढ़िया था कहानी के डायलॉग अच्छे थे स्टोरी का आइडिया अच्छा था हाँ फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था फिल्म को करीबन पंद्रह बीस मिनट जो जितना छोटा किया जा सकता था जो तीन घंटे के आसपास की फिल्म है उसको करीबन ढाई घंटे के आसपास का बनाया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म की स्टार कास्ट की जो परफॉर्मेंसेज है वो लाजवाब है फिल्म में सभी की नेचुरल परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है टेक्निकली फिल्म काफी मजबूत नज़र आती है सिनेमाटोग्राफी जिस तरह से लोकेशन दिखाए वो बढ़िया है एडिटिंग का काम में जैसे कहा मैंने बीस मिनट जितनी छोटी की जा सकती थी म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया है फिल्म के हिसाब से तरह से सेट हुए रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो ग्यारह नवंबर दो इस फिल्म को थियेटर मिला हुआ था और इस फिल्म को आई पे करीबन छत्तीस वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से जो सिनेमेटोग्राफी उसके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था लेकिन क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से खास करके जो एक बड़ी लेंथ रखी हुई 170 सौ सत्तर मीट की वो ज्यादा क्रिटिसिज्म से ना पड़ा था उसको छोटा किया जा सकता था यह बताया गया था ऊंचाई फिल्म को अब हम बात कर रहे बॉक्स ऑफिस के ऊपर तो पहले दिन करीबन एक करोड़ इक्का लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था दूसरे दिन तीन करोड़ चौसठ लाख का तीसरे दिन चार करोड़ इकहत्तर लाख का तो इस तरह से फिल्म का पहला वीकेंड दस करोड़ सोलह लाख का इंडिया से निकला हुआ था दूसरा वीकेंड था छह करोड़ छह लाख का तीसरा वीकेंड दो करोड़ बीस लाख का वही पे चौथा वीकेंड

वहीं पे ओवरसीज में इस फिल्म ने थोड़ा डिसेंट कलेक्शन करते हुए करीबन आठ करोड़ अट्ठाईस लाख का ओवरसीज का कलेक्शन था तो इंडिया का जो ग्रोस कलेक्शन था वो करीबन अड़तीस करोड़ के आसपास का था और ओवरसीज का क्रोस कलेक्शन करीबन नौ करोड़ के आसपास का तो इस तरह से पिस्तालीस के पचास करोड़ के बीच में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करके दिखाया जहा पे इस फिल्म के ये डिसेंट कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टेग ले लिया तो इस तरह से उच्च फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जहाँ पे इस फिल्म के जो ओटीटी सेटेलाइट राइड

राजकुमार बरजातिया नतासा मालपानी ओसवाल और अजित कुमार बरजातिया ने जहाँ पे इस फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन माहवीर जैन फिल्म और पाउंडलेस मीडिया के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था इस फिल्म को करीबन पंद्रह बीस करोड़ का एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहां पे इस फिल्म को फिल्म ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई ने की हुई थी एडिटिंग श्वेता वेंकट मेथ्यू ने की हुई थी इस फिल्म को 170 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे 50 मिनट की देखने को मिलेगी करीबन पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जोअ जोसेफ ने काम किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म में टोटल सात गाने सभी वर्जन को मिला के म्यूजिक के राइट्स से वो जी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म के जो गाने हैं वो अलग अलग तरीके से कंपोज कर गए थे अलग अलग आर्टिस्ट के पास कंपोज कर गए थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है वो जी और जोसेफ ने कंपोज किया हुआ था फिल्म के गाने को अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे आर्टिस्ट के बारे में जैसे कि फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे अमित श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है अनुपम खेर ने ओम शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है बोमन ईरानी ने दावे सिद्धिकी का रोल प्ले किया हुआ है परिणीति चोपड़ा ने श्रद्धा गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है नीना गुप्ता ने सबीना सिद्धिकी का रोल प्ले किया हुआ है सारिका ने माला त्रिवेदी का रोल प्ले किया हुआ है देन गोप्पा ने इस फिल्म में भूपेन का रोल प्ले किया हुआ है नफीसा अली ने अभिलेशा श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है श्री दास ने इस

फिल्म लेके आ रहे जिसका नाम रखेंगे ऊंचाई और प्रेम रतन तन पाए के बाद उनकी एक कमबे फिल्म होने वाली है करीबन छह सात सालों के बाद जहाँ पे फिल्म कोई फैमिली ड्रामा फिल्म नहीं होने वाले कुछ एडवेंचर चीजें भी देखने को मिलने वाली है ऊंचाई फिल्म को ज्वाइंटली प्रोड्यूस किया हुआ है प्रोडक्शन के साथ साथ बाउंडलेस मीडिया और महावीर जैन फिल्म पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर रहे तो सेप्टेम्बर दो में अनाउंस किया गया था कि अमिताभ बच्चन अनुपम खेर बोमन ईरानी और डेनी का इस फिल्म आपको लिट्रोल्स प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे चार दोस्त दिखाए जाएंगे और उनकी जर्नी जहाँ पे डेनी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद पूरी तरह से एक कहानी में ट्विस्ट आता है और वो फ्रेंडशिप पे उसकी ओरिजिनल वैल्यू दिखाई जाती है इसके अलावा इस फिल्म में नीना गुप्ता सारिका उनको भी साइन किया गया था जहाँ पे सारिका काफी लंबे समय के बाद करीबन 2016 में बार बार देखो फिल्म में दिखी थी उसके बाद उनका एक कम था इसके अलावा अक्टूबर दो में बताया गया था कि परिणीति चोपड़ा आपको टूरिस्ट गाइड के रोल में इस फिल्म में देखने को मिलेगी इसके अलावा नफीसा अली को इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट कास्ट किया गया था टेलीविजन एक्टर्स रिदास और अभिषेक सिंह पठानिया को इस फिल्म में एक चांस दिया गया था जहाँ पे उनका ये बॉलीवुड डेब्यू था तो इस तरह से कास्टिंग के ऊपर भी काम किया गया फिल्म की फिल्मिंग की शुरुआत अक्टूबर दो हजार इक्कीस को की गई थी परिणीति चोपड़ा अनुपम खेर और बोमन ईरानी के साथ वहीं पे अमिताभ बच्चन ने फिल्म के सेट को दिसंबर दो में ज्वाइन किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के लोकेशन अलग अलग जगह के रखे गए थे खास करके नेपाल में लुकला काठमांडू में फिल्म को शूट भी किया गया था वहीं पे इस फिल्म को कारगिल दिल्ली मुंबई उत्तर प्रदेश में शूट किया गया था मार्च दो तक इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा ने अपने पोर्सन को कंप्लीट कर लिया था वहीं पे बाकी की काश ने पूरी तरह से फिल्म को दो अप्रैल 2022 तक शूट तरीक करके कंप्लीट करवाया हुआ था तो इस तरह से फिल्म की जो शूटिंग है उसके ऊपर काम किया गया था साउंड रेक के ऊपर बातचीत करें तो गानों को कंपोज किया हुआ है अमित त्रिवेदी ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जो जोसेफ ने इन गानों के राइट से उसी म्यूजिक कंपनी के पास दो हजार इक्कीस बाईस में रिकॉर्ड किए गए थे अट्ठारह अक्टूबर दो हजार बाईस को इसको ऑफिशियल यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में एक गाने कुछ गाने पुराने सुनने को मिलते है ये जीवन है किशोर कुमार का वहीं पे नाइनटी सेवनटी टू का पिया का घर है वो गाना भी इस फिल्म में डाला हुआ है तो ये कुछ गाने जो इस फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से सेट किए हुए इसके अलावा और भी कई ऐसे गाने जो इस फिल्म के में सेट हुए। इसके अलावा अरे ओ अंकल हां कर दे, लड़की पहाड़ी मोहित चौहान वर्जन इस तरह से अलग अलग गाने जिसको फिल्म में सेट किया हुआ था ये गाने अभी फिलहाल मैं आप ऑफिशियली यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो कहानी के ऊपर बातचीत करे इस तरह से मैंने कहा कि तीन एज फ्रेंड है अमित ओम जावेद जहाँ पे वो एक एवरेस्ट बेस कैंप में एक ट्रिक के लिए जाते हैं जो अपने चौथा दोस्त थे भोपिन उसकी लास्ट विश पूरी करने के लिए और उसको बाद में ज्वाइन तो करती है माला इसके बाद में जब वो जाते तभी उनको ज्वाइन कर लेते हैं इसके अलावा इसके इसमें आपको टूरिस्ट के रोल में देखने को मिलेगी श्रद्धा गुप्ता का किरदार प्ले करे प्रियंत चोपड़ा वो और इन सभी जर्नी में पर्सनल इमोशनल स्पिरिचुअल जर्नी देखने को मिलती है जहां पे इन एजेड पर्सनस की जो फिजिकल लिमिटेशन है उसके बावजूद वो जिस तरह से फ्रीडम का फ्रेंडशिप का एक जो ट्रू वर्ड डिस्कवर कर थे वो फिल्म की कहानी को और बेहतर बनाता है जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन बढ़िया था कहानी के डायलॉग अच्छे थे स्टोरी का आइडिया अच्छा था हाँ फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था फिल्म को करीबन पंद्रह बीस मिनट जो जितना छोटा किया जा सकता था जो तीन घंटे के आसपास की फिल्म है उसको करीबन ढाई घंटे के आसपास का बनाया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म की स्टारकास्ट की जो परफॉर्मेंस वो ला जाओ है फिल्म में सभी की नेचुरल परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है टेक्निकली फिल्म काफी मजबूत नजर आती सिनेमेटोग्राफी है सिनेमाटोग्राफी जिस तरह से लोकेशन दिखाए वो बढ़िया है एडिटिंग का काम में जैसे कहा मैंने बीस मिनट जितनी छोटी की जा सकती थी म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स काफी बढ़िया है फिल्म के हिसाब से अच्छी तरह से सेट हुए रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 11 नवंबर 2022 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था और इस फिल्म को आई पे करीबन छत्तीस वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से जो परफॉर्मेंसिस काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था लेकिन क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से खास करके जो एक बड़ी लेंथ रखी हुई 170 सौ मीट की वो ज्यादा से का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था दूसरे दिन तीन करोड़ चौसठ लाख का तीसरे दिन चार करोड़ इकहत्तर लाख का तो इस तरह से फिल्म का पहला वीकेंड दस करोड़ सोलह लाख का इंडिया से निकला हुआ था दूसरा वीकेंड था छह करोड़ छह लाख का तीसरा वीकेंड दो करोड़ बीस लाख का वहीं पे चौथा वीकेंड है वो एक करोड़ तेईस लाख का तो इस तरह से फिल्म ने चार विकेंड निकाले हुए थे और पहले वीक में सत्रह करोड़ दो लाख का कलेक्शन किया होता था इंडिया से दूसरे वीक में नौ करोड़ चालीस लाख का तीसरे वीक में तीन करोड़ चालीस लाख का चौथे वीक में एक करोड़ नब्बे लाख का तो इस तरह से इंडिया से इतना वीक बाय वीक फिल्म ने नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने टोटल जो चार वीक का नेट कलेक्शन है वो करीबन इकतीस करोड़ अड़सठ लाख का किया हुआ था वहीं पे ओवरसीज में इस फिल्म ने थोड़ा डिसेंट कलेक्शन करते हुए करीबन आठ करोड़ अट्ठाईस लाख ओवरसीज का कलेक्शन था तो इंडिया का जो क्रॉस कलेक्शन था वो करीबन अड़तीस करोड़ के आसपास का था और ओवरसीज का क्रॉस कलेक्शन करीबन नौ करोड़ के आसपास का तो इस तरह से पिस्तालीस के पचास करोड़ के बीच में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करके दिखाया जहा पे इस फिल्म ने ये डिसेंट कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टेग like ले लिया तो इस तरह से उच्च फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जहा पे इस फिल्म के जो ओटीटी सेटेलाइट राइट

राजकुमार बरजातिया नतासा मालपानी ओसवाल और अजित कुमार बरजातिया ने जहाँ पे इस फिल्म को प्रोडक्शन फिल्म्स और बाउंडलेस मीडिया के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था इस फिल्म को करीबन पंद्रह बीस करोड़ का एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहां इस फिल्म को यसराज फिल्म ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई ने की हुई थी एडिटिंग श्वेता वेंकट मेथ्यू ने की हुई थी इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे पचास मिनट की देखने को मिलेगी करीबन पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जॉर्ज जोसेफ ने काम किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म में टोटल सात गाने सभी वर्जन को मिला के म्यूजिक के राइटी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म के जो गाने वो अलग अलग तरीके से कंपोज गए थे अलग-अलग आर्टिस्ट के पास कंपोज करा गए थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है वो जी और जो कंपोज किया हुआ था फिल्म के गाने को अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के आ, दूसरे आर्टिस्ट के बारे में जैसे कि फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे अमित श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है अनुपम खेर ने ओम शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है बोमन ईरानी ने जावेद सिद्दीकी का रोल प्ले किया हुआ है परिणीति चोपड़ा ने श्रद्धा गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है नीना गुप्ता ने सबीना सिद्दीकी का रोल प्ले किया हुआ है सारिका ने माला त्रिवेदी का रोल प्ले किया हुआ है डैनी धीन गोप्ता ने इस फिल्म में भूपेन का रोल प्ले किया हुआ है नफीसा अली ने अभिलेषा श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है श्री दास ने इस फिल्म में सिद्ध

उनकी जर्नी है जहां पे डेनी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद पूरी तरह से एक कहानी में ट्विस्ट आता है और वो फ्रेंडशिप पे उसकी ओरिजिनल वैल्यू दिखाई जाती है इसके अलावा इस फिल्म में नीना गुप्ता सारिका उनको भी साइन किया गया था पे सारिका काफी लंबे समय के बाद करीबन दो में बार बार देखो फिल्म दिखी थी उसके बाद उनका एक कम था इसके अलावा अक्टूबर दो में बताया गया था कि परिणति चोपड़ा को टूरिस्ट गाइड के रोल में इस फिल्म में देखने को मिलेगी इसके अलावा नफीसा अली को इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट कास्ट किया

मुंबई उत्तर प्रदेश में शूट किया गया था मार्च 2022 तक इस फिल्म में परिणति चोपड़ा ने अपने पोर्शन को कंप्लीट कर लिया था वहीं पे बाकी के कास्ट ने पूरी तरह से फिल्म को दो अप्रैल 2022 तक शूट तरीक करके कंप्लीट करवाया हुआ था तो इस तरह से फिल्म की जो शूटिंग है उसके ऊपर काम किया गया था साउंड ट्रेक के ऊपर बातचीत करें तो गानों को कंपोज किया हुआ है अमित त्रिवेदी ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जोसेफ जो ने इन गानों के से उसी म्यूजिक कंपनी के पास ये दो हजार इक्कीस किए गए थे अट्ठारह अक्टूबर दो हजार बाईस को इसको यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में एक गाने कुछ गाने पुराने सुनने को मिलते हैं ये जीवन है किशोर कुमार का वहीं पे नाइनटीन सेवनटी टू का पिया का घर है वो गाना भी इस फिल्म में डाला हुआ है तो ये कुछ गाने जो इस फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से सेट किए हुए इस इसके अलावा और भी कई ऐसे गाने जो इस फिल्म के प्लॉट में सेट किए हुए इसके अलावा केटी को इसके अलावा अरे ओ अंकल हा कर दे लड़की पहाड़ी सवेरा और लड़की पहाड़ी बोनस वर्जन लड़की पहाड़ी मोहित चौहान वर्जन इस तरह से अलग अलग गाने जिसको फिल्म में सेट किया हुआ था ये गाने अभी फिलहाल मैं आप ऑफिशियली यूट्यूब पे म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो गाने के ऊपर बातचीत करे जिस तरह से मैंने कहा कि फ्रेंड है अमित ओम जावेद जहाँ पे वो एक एवरेस्ट बेस कैंप में एक ट्रेक के लिए जाते हैं जो अपने चौथा दोस्त है पोपन उसकी लास्ट विश पूरी करने के लिए और उसको बाद में ज्वाइन करती है माला इसके बाद में जब वो जाते तभी उनको ज्वाइन कर लेते हैं इसके अलावा इसके इसमें आपको टूरिस्ट के रोल में देखने को मिलेगी श्रद्धा गुप्ता का किरदार प्ले करे पर चोपड़ा वो और इन सभी जर्नी में पर्सनल इमोशनल स्पिरिचुअल जर्नी देखने को मिलती है जहाँ पे इन एजेड पर्सन की जो फिजिकल लिमिटेशन है उसके बावजूद वो जिस तरह से फ्रीडम का फ्रेंडशिप का एक जो ट्रू वर्ड डिस्कवर थे वो फिल्म की कहानी को और बेहतर बनाता है जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन बढ़िया था कहानी के डायलॉग अच्छे थे स्टोरी का आइडिया अच्छा था हाँ फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था फिल्म को करीबन पंद्रह बीस मिनट जो जितना छोटा किया जा सकता था जो तीन घंटे के आसपास की फिल्म है उसको करीबन ढाई घंटे के आसपास का बनाया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म की स्टारकास्ट की जो परफॉर्मेंसिस

जिसमें सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से जो से, जो डायरेक्शन स्क्रीन सिनेमेटोग्राफी उसके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था लेकिन क्रिटिक्स और की तरफ से खास करके जो एक बड़ी लेंथ रखी हुई 170 सौ सत्तर की वो ज्यादा से ना नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था दूसरे दिन तीन करोड़ चौसठ लाख का तीसरे दिन चार करोड़ इकहत्तर लाख का तो इस तरह से फिल्म का पहला वीकेंड दस करोड़ सोलह लाख का इंडिया से निकला हुआ था दूसरा वीकेंड था छह करोड़ छह लाख का तीसरा वीकेंड दो करोड़ बीस लाख का वहीं पे चौथा वीकेंड है वो एक करोड़ तेईस लाख का तो इस तरह से फिल्म ने चार वीकेंड निकाले हुए थे और पहले वीक में सत्रह करोड़ दो लाख का कलेक्शन किया होता था इंडिया से दूसरे वीक में नौ करोड़ चालीस लाख का तीसरे वीक में तीन करोड़ चालीस लाख का चौथे वीक में एक करोड़ नब्बे लाख का तो इस तरह से इंडिया से इतना वीक बाई वीक फिल्म ने नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने टोटल जो चार वीक का नेट कलेक्शन है वो करीबन इकतीस करोड़ अड़सठ लाख का किया हुआ था वहीं पे ओवरसीज में इस फिल्म ने थोड़ा डिसेंट कलेक्शन करते हुए करीबन आठ करोड़ अट्ठाईस लाख का ओवरसीज का कलेक्शन था तो इंडिया का जो क्रॉस कलेक्शन था वो करीबन अड़तीस करोड़ के आसपास का था और ओवरसीज का क्रॉस कलेक्शन करीबन नौ करोड़ के आसपास का तो इस तरह से पिस्तालीस के पचास करोड़ के बीच में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करके दिखाया जहा पे इस फिल्म ने ये डिसेंट कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का काटे ले लिया तो इस तरह से उच्चा फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जहा पे इस फिल्म के जो ओ टी टी सैटेलाइट राइट

राजकुमार बरजातिया नतासा मालपानी ओसवाल और अजीत कुमार बरजातिया ने जहाँ पे इस फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन माहवीर जैन फिल्म और बाउंडलेस मीडिया के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था इस फिल्म को करीबन पंद्रह बीस करोड़ का एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहां ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई ने की हुई थी एडिटिंग श्वेता वेंकट मेथ्यू ने की हुई थी इस फिल्म को 170 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे 50 मिनट की देखने को मिलेगी करीबन पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जोअ जोश अपने काम किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म में टोटल सात गाने सभी वर्जन को मिला के म्यूजिक के राइट्स से जी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म के जो गाने हैं वो अलग अलग तरीके से कंपोज करा गए थे अलग अलग आर्टिस्ट के पास कंपोज करा गए थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है वो जी और जो से अपने कंपोज किया हुआ था फिल्म के गाने को अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे आर्टिस्ट के बारे में जैसे कि फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे अमित श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है अनुपम खेर ने ओम शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है बोमन ईरानी ने जावेद सिद्दीकी का रोल प्ले किया हुआ है परिणीति चोपड़ा ने श्रद्धा गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है नीना गुप्ता ने सबीना सिद्धिकी का रोल प्ले किया हुआ है सारिका ने माला त्रिवेदी का रोल प्ले किया हुआ है डेनी दीनगुप्ता ने इस फिल्म में भूपेन का रोल प्ले किया हुआ है नफीसा अली ने अभिलेशा श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है श्री दास ने में सिद्धकी का रोल प्ले किया हुआ है, अभिषेक ने इस फिल्म में वाली का रोल प्ले किया हुआ है प्रोडक्शन तो के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट से स्टार्ट करते अक्टूबर दो में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था जहाँ पे सूरज प्रजाता ने कहा था कि वो एक फिल्म लेके आ रहे जिसका नाम रखेंगे ऊंचाई और प्रेम रतन धन पा के बाद उनकी एक कम्बिक फिल्म होने वाले करीबन छह सात

इन गानों के राइट से उसी म्यूजिक कंपनी के पास दो हजार इक्कीस बाईस में रिकॉर्ड किए गए अट्ठारह अक्टूबर दो हजार बाईस को इसको ऑफिशियल यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में एक गाने कुछ गाने पुराने सुनने को मिलते है ये जीवन है किशोर कुमार का वहीं पे नाइनटीन का पिया का घर है वो गाना भी इस फिल्म में डाला हुआ है तो ये कुछ गाने जो इस फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से सेट किए हुए इसके अलावा और भी कई ऐसे गाने जो इस फिल्म के प्लॉट में सेट किए हुए इसके अलावा केटी को इसके अलावा अरे वो अं कल हाँ कर दे लड़की पहाड़ी सवेरा और लड़की पहाड़ी पोनस वजन लड़की पहाड़ी मोहित चौहान वजन इस तरह से अलग अलग गाने जिसको फिल्म में सेट किया हुआ था ये गाने अभी फिलहाल मैं आप ऑफिशियल म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो कहानी के ऊपर बातचीत करे जिस तरह से मैंने कहा कि तीन एज फ्रेंड है अमित ओम जावेद जहाँ पे वो एक एवरेस्ट बेस कैंप में एक ट्रेक के लिए जाते हैं जो अपने चौथा तो दोस्त है पोपेन उसके लास्ट विश पूरी करने के लिए और उसको बाद में ज्वाइन करती है माला इसके बाद में जब वो जाते हैं तभी उनको ज्वाइन कर लेती है इसके अलावा इसके इसमें आपको टूरिस्ट के रोल में देखने को मिलेगी श्रद्धा गुप्ता का किरदार प्ले करे पर चोपड़ा वो और इन सभी जर्नी में पर्सनल इमोशनल स्पिरिचुअल जर्नी देखने को मिलती है जहाँ पे इन एजेड पर्सन की जो फिजिकल लिमिटेशन है उसके बावजूद वो जिस तरह से फ्रीडम का फ्रेंडशिप का एक जो ट्रू वर्ड डिस्कवर थे वो फिल्म की कहानी को और बेहतर बनाता है जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन बढ़िया था कहानी के डायलॉग अच्छे थे स्टोरी का आइडिया अच्छा था हाँ फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था फिल्म को करीबन पंद्रह बीस मिनट जो जितना छोटा किया जा सकता था जो तीन घंटे के आसपास की फिल्म है उसको करीबन ढाई घंटे के आसपास का बनाया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म की स्टारकास्ट की जो परफॉर्मेंस वो लाजवाब फिल्म में सभी की नेचुरल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है टेक्निकली फिल्म काफी मजबूत नजर आती जिस से वो है एडिटिंग और बैकग्राउंड है सेट से से हुए रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 11 नवंबर 2022 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था और इस फिल्म को आई पे करीबन छत्तीस वोट मिले हुई जिसमें सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से जो है जो डायरेक्शन सन स्क्रीन प्लेमाटोग्राफी उसके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था लेकिन क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से खास करके जो एक बड़ी लेंथ रखी हुई 170 मिनट की वो ज्यादा लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था दूसरे दिन तीन करोड़ चौसठ लाख का तीसरे दिन चार करोड़ इकहत्तर लाख का तो इस तरह से फिल्म का पहला वीकेंड दस करोड़ सोलह लाख का इंडिया से निकला हुआ था दूसरा वीकेंड था छह करोड़ छह लाख का तीसरा वीकेंड दो करोड़ बीस लाख का वहीं पे चौथा वीकेंड है वो एक करोड़ तेईस लाख का तो इस तरह से फिल्म ने चार विकेंट निकाले हुए थे और पहले वीक में सत्रह करोड़ बीस दो लाख का कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से दूसरे वीक में नौ करोड़ चालीस लाख का तीसरे वीक में तीन करोड़ चालीस लाख का चौथे वीक में एक करोड़ नब्बे लाख का तो इस तरह से इंडिया से इतना वीक बाय वीक फिल्म ने नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने टोटल जो चार वीक का नेट कलेक्शन है वो करीबन इकतीस करोड़ अड़सठ लाख का किया हुआ था वहीं पे ओवरसीज में इस फिल्म ने थोड़ा डिसेंट कलेक्शन करते हुए करीबन आठ करोड़ अट्ठाईस लाख का ओवरसीज का कलेक्शन था तो इंडिया का जो ग्रोस कलेक्शन था वो करीबन अड़तीस करोड़ के आसपास का था और ओवरसीज का ग्रोस कलेक्शन करीबन नौ करोड़ के आसपास का तो इस तरह से पिस्तालीस के, के, तो पिस के पचास करोड़ के बीच में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करके दिखाया जहां पे इस फिल्म ने ये डिसेंट कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का काटेग ले लिया तो इस तरह से उच्च फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जहाँ पे इस फिल्म के जो ओटी टी सेटेलाइट राइट

सब्सक्रिप्शन आपको ये फिल्म जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली टेलीविजन और ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कमल कुमार बरजातिया महावीर जैन लेट राजकुमार बरजातिया नताशा मालपानी ओसवाल और अजित कुमार बरजातिया ने जहाँ पे इस फिल्म को राजसरी प्रोडक्शन महावीर जैन फिल्म और बाउंडलेस मीडिया के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था इस फिल्म को करीबन पंद्रह बीस करोड़ का एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को यशराज फिल्म ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई ने की हुई थी एडिटिंग श्वेता वेंकट मेथ्यू ने की हुई थी इस फिल्म को 170 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे 50 मिनट की देखने को मिलेगी करीबन पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जोअ जोसेफ ने काम किया हुआ है जहाँ इस फिल्म में टोटल सात गाने सभी वर्जन को मिला म्यूजिक के, के राइट्स से उस जी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म के जो गाने हैं वो अलग अलग तरीके से कंपोज करा गए थे अलग अलग आर्टिस्ट के पास कंपोज करा गए थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है वो जी और जो अपने कंपोज किया हुआ था फिल्म के गाने को अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट तो के बारे में जैसे कि फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे अमित श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है अनुपम खेर ने ओम शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है बोमन ईरानी ने जावेद सिद्दीकी का रोल प्ले किया हुआ है परिणीति चोपड़ा ने श्रद्धा गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है नीना गुप्ता ने सबीना सिद्धिकी का रोल प्ले किया हुआ है सारिका ने माला त्रिवेदी का रोल प्ले किया हुआ है डेनी दीनगुप्ता ने इस फिल्म भूपेन का रोल प्ले किया हुआ है नफीसा अली ने अभिलेशा श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है श्री दास ने इस फिल्म

मुंबई उत्तर प्रदेश में शूट किया गया था मार्च 2022 तक इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा ने अपने पोर्शन को कम्प्लीट कर लिया था वहीं पे बाकी की काश ने पूरी तरह से फिल्म को अप्रैल दो, दो तक शूट तरीक करके कंप्लीट करवाया होता है तो इस तरह से फिल्म की जो शूटिंग है उसके ऊपर काम किया गया था साउंड रेक के ऊपर बातचीत करें तो गानों को कंपोज किया हुआ है अमित त्रिवेदी ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जोसेफ जो ने इन गानों के राइट से उसी म्यूजिक कंपनी के पास दो हजार इक्कीस किए गए थे अक्टूबर दो हजार को इसको पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में एक गाने कुछ गाने पुराने सुनने को मिलते है ये जीवन है किशोर कुमार का वहीं पे नाइनटीन का पिया का घर है वो गाना भी इस फिल्म में डाला हुआ है तो ये कुछ गाने जो इस फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से सेट किए हुए इस इसके अलावा और भी कई ऐसे गाने जो इस फिल्म के प्लॉट में सेट किए हुए इसके अलावा केटी को इसके अलावा अरे वो अंकल हा कर दे लड़की पहाड़ी सवेरा और लड़की पहाड़ी बोनस वर्जन लड़की पहाड़ी मोहित चौहान वर्जन इस तरह से अलग अलग गाने जिसको फिल्म में सेट किया हुआ था एक गाने अभी फिलहाल मैं आप ऑफिसियली यूट्यूब्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो गाने के ऊपर बातचीत करे जिस तरह से मैंने कहा कि तीन एज फ्रेंड है अमित ओम जावेद जहाँ पे वो एक एवरेस्ट बेस कैंप में ट्रेक के लिए जाते हैं जो अपने चौथा तो दोस्त उसकी लास्ट विश पूरी करने के लिए और उसको बाद में ज्वाइन करती है माला इसके बाद में जब वो जाते तभी उनको ज्वाइन कर लेते है इसके अलावा इसके इसमें आपको टूरिस्ट के रोल में देखने को मिलेगी श्रद्धा गुप्ता का किरदार प्ले करे पर चोपड़ा वो और इन सभी जर्नी में पर्सनल इमोशनल स्पिरिचुअल जर्नी देखने को मिलती है जहां पे इन एजेड पर्सनस की जो फिजिकल लिमिटेशन है उसके बावजूद वो जिस तरह से फ्रीडम का फ्रेंडशिप का एक जो ट्रू वर्ड डिस्कवर करते वो फिल्म की कहानी को और बेहतर बनाता है जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन बढ़िया था कहानी के डायलॉग अच्छे थे स्टोरी का आइडिया अच्छा था फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था फिल्म को करीबन पंद्रह बीस मिनट जो जितना छोटा किया जा सकता था जो तीन घंटे के आसपास की फिल्म है उसको करीबन ढाई घंटे के आसपास का बनाया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म की स्टारकास्ट की जो परफॉर्मेंसिस वो लाजवाब फिल्म में सभी की नेचुरल देखने को मिलती है टेक्निकली फिल्म काफी मजबूत नजर आती है सिनेमाटोग्राफी जिस तरह से लोकेशन दिखाए वो बढ़िया है एडिटिंग का काम में जैसे कहा जितनी थोड़ी की जा सकती थी म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स काफी बढ़िया है फिल्म के हिसाब से तरह से सेट हुए रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 11 नवंबर 2022 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था और इस फिल्म को आई पे करीबन छत्तीस वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से जो परफॉर्मेंस है जो डायरेक्शन स्क्रीन सिनेमेटोग्राफी उसके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था लेकिन क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से खास करके जो एक बड़ी लेंथ रखी हुई एक सौ सत्तर मीट की इंडियन हिंदी फिल्म है, जहां पे फिल्म को किया सूरज आर बजाजिया ने जहाँ पे कहानी का सुनील गांधी का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है स्क्रीन प्ले वो लिखा हुआ है अभिषेक दीक्षित ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कमल कुमार बरजातिया महावीर जैन लेट राजकुमार बरजातिया नतासा मालपानी ओसवाल और अजित कुमार बरजातिया ने जहाँ पे इस फिल्म को राजसरी प्रोडक्शन महावीर जैन फिल्म और बाउंडलेस मीडिया के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था इस फिल्म को करीबन पंद्रह बीस करोड़ का एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को यशराज फिल्म ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था सिनेमेटोग्राफी मनोज कुमार खटोई ने की हुई थी एडिटिंग श्वेता वेंकट मेथ्यू ने की हुई थी इस फिल्म को 170 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे 50 मिनट की देखने को मिलेगी करीबन पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जोआ जो से काम किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म में टोटल सात गाने सभी वर्जन को मिला म्यूजिक के, के राइट्स से वो जी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म के जो गाने हैं वो अलग अलग तरीके से कंपोज करा गए थे अलग अलग आर्टिस्ट के पास कंपोज करा गए थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है वो थी और जो कंपोज किया हुआ था फिल्म के गाने को अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के आ, तो से आर्टिस्ट के बारे में जैसे कि फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे अमित श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है अनुपम खेर ने ओम शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है ने जावेद सिद्दीकी का रोल प्ले किया हुआ है परिणीति चोपड़ा ने श्रद्धा गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है नीना गुप्ता ने सबीना सिद्दीकी का रोल प्ले किया हुआ है सारिका ने माला त्रिवेदी का रोल प्ले किया हुआ है डेनी गोप्पा ने इस फिल्म में भूपेन का रोल प्ले किया हुआ है नफीसा अली ने अभिलेषा श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है श्री दास ने इस फिल्म में हिबा सिद्ध की का रोल प्ले किया हुआ है अभिषेक पाठान्या ने इस फिल्म में वाली का रोल प्ले किया हुआ है। खेर को इस गगन का दिया गया था। और इस आपको भी देखने को मिलेंगे। तो, तो डेवलपमेंट से स्टार्ट करते है अक्टूबर दो में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था जहाँ पे सूरज प्रजाता ने कहा था वो एक फिल्म लेके आ रहे जिसका नाम रखेंगे ऊंचाई और प्रेम रतन तन पाए के बाद उनकी कमबेक फिल्म होने वाली है करीबन छह सात सालों के बाद

उनकी जर्नी जहां पे डेनिक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद पूरी तरह से कहानी बार बार देखो फिल्म दिखी थी उसके बाद उनका एक कम था इसके अलावा अक्टूबर दो में बताया गया था कि परिणीति चोपड़ा आपको टूरिस्ट गाइड के रोल में इस फिल्म देखने को मिलेगी इसके अलावा नफीसा अली को इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट कास्ट किया

मुंबई उत्तर प्रदेश में शूट किया गया था मार्च 2022 तक इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा ने अपने पोर्शन को कंप्लीट कर लिया था वहीं पे बाकी की कास्ट ने पूरी तरह से फिल्म को दो अप्रैल 2022 तक शूट तरीक करके कंप्लीट करवाया हुआ था तो इस तरह से फिल्म की जो शूटिंग है उसके ऊपर काम किया गया था साउंड ट्रेक के ऊपर बातचीत करें तो गानों को कंपोज किया हुआ है अमित त्रिवेदी ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जोसेफ ने इन गानों के राइट से उसी म्यूजिक कंपनी के पास -2022 दो हजार में रिकॉर्ड किए गए थे 18 अक्टूबर 2022 हजार बाईस को इसको यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में एक गाने कुछ गाने पुराने सुनने को मिलते हैं ये जीवन है किशोर कुमार का वहीं पे नाइनटीन का पिया का घर है वो गाना भी इस फिल्म में डाला हुआ है तो ये कुछ गाने जो इस फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से सेट किए हुए इसके अलावा और भी कई ऐसे गाने जो इस फिल्म के प्लॉट में सेट किए हुए इसके इसके अलावा अलावा केटी को अरे वो अंकल अं कर दे लड़की पहाड़ी सवेरा और लड़की पहाड़ी बोनस वजन लड़की पहाड़ी मोहित इस तरह से अलग अलग गाने जिसको फिल्म में सेट किया हुआ था एक गाने अभी फिलहाल में आप ऑफिशियली यूट्यूब पे म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो कहानी के ऊपर बातचीत करे जिस तरह से मैंने कहा कि तीन एज फ्रेंड है अमित ओम जावेद जहाँ पे वो एक एवरेस्ट बेस कैंप में ट्रेक के लिए जाते हैं जो अपने चौथा दोस्त है भोपेन उसकी लास्ट विश पूरी करने के लिए और उसको बाद में ज्वाइन करती है माला इसके बाद में जब वो जाते तभी उनको ज्वाइन कर लेते इसके अलावा इसके इसमें आपको टूरिस्ट के रोल में देखने को मिलेगी श्रद्धा गुप्ता का किरदार प्ले करे पर चोपड़ा वो और इन सभी जर्नी में पर्सनल इमोशनल स्पिरिचुअल जर्नी देखने को मिलती है जहाँ पे इन एजेड पर्सनस की जो फिजिकल लिमिटेशन है उसके बावजूद वो जिस तरह से फ्रीडम का फ्रेंडशिप का एक जो ट्रू वर्ड डिस्कवर कर थे वो फिल्म की कहानी को और बेहतर बनाता है जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन बढ़िया था कहानी के डायलॉग अच्छे थे स्टोरी का आइडिया अच्छा था हाँ फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था फिल्म को करीबन पंद्रह बीस मिनट जो जितना छोटा किया जा सकता था जो तीन घंटे के आसपास की फिल्म है उसको करीबन ढाई घंटे के आसपास का बनाया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म की स्टारकास्ट की जो परफॉर्मेंसिस वो लाजवाब है फिल्म में सभी की नेचुरल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है टेक्निकली फिल्म काफी मजबूत नजर आती सिनेमेटो है सिनेमेटोग्राफी जिस तरह से लोकेशन दिखाए वो बढ़िया है एडिटिंग का काम में जैसे कहा मैंने बीस मिनट जितनी छोटी की जा सकती थी म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स काफी बढ़िया है फिल्म के हिसाब से अच्छी तरह से सेट हुए रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 11 नवंबर 2022 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था जहां पर क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था और इस फिल्म को आई पे करीबन छत्तीस वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से जो है जो डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी उसके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था लेकिन क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से खास करके जो एक बड़ी लेंथ रखी हुई 170 सौ सत्तर मीट की वो ज्यादा इक्का लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था दूसरे दिन तीन करोड़ चौसठ लाख का तीसरे दिन चार करोड़ इकहत्तर लाख का तो इस तरह से फिल्म का पहला वीकेंड दस करोड़ सोलह लाख का इंडिया से निकला हुआ था दूसरा वीकेंड था छह करोड़ छह लाख का तीसरा वीकेंड दो करोड़ बीस लाख का वहीं पे चौथा वीकेंड है वो एक करोड़ तेईस लाख का तो इस तरह से फिल्म ने चार वीकेंड निकाले हुए थे और पहले वीक में सत्रह करोड़ बीस दो लाख का कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से दूसरे वीक में नौ करोड़ चालीस लाख का तीसरे वीक में तीन करोड़ चालीस लाख का चौथे वीक में एक करोड़ नब्बे लाख का तो इस तरह से इंडिया से इतना वीक बाय वीक फिल्म ने नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने टोटल जो चार वीक का नेट कलेक्शन है वो करीबन इकतीस करोड़ अड़सठ लाख का किया हुआ था वहीं पे ओवरसीज में इस फिल्म ने थोड़ा डिसेंट कलेक्शन करते हुए करीबन आठ करोड़ अट्ठाईस लाख का ओवरसीज का कलेक्शन था तो इंडिया का जो ग्रोस कलेक्शन

बाउंडलेस मीडिया के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था इस फिल्म को करीबन पंद्रह बीस करोड़ का एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहां पे इस फिल्म को यशराज फिल्म ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई ने की हुई थी एडिटिंग श्वेता वेंकट मेथ्यू ने की हुई थी इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे पचास मिनट की देखने को मिलेगी करीबन पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो जोसेफ ने काम किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म में टोटल सात गाने सभी वर्जन को मिला के म्यूजिक के राइट्स राइटी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म के जो गाने हैं वो अलग-अलग तरीके से कंपोज करा गए थे अलग-अलग आर्टिस्ट के पास कंपोज करवा गए थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है वो जियोर्ज जोसेफ ने कंपोज किया हुआ था फिल्म के गाने को अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे आर्टिस्ट के बारे में जैसे कि फिल्म की के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे अमित श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है अनुपम खेर ने ओम शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है बोमन ईरानी ने दावे सिद्दीकी का रोल प्ले किया हुआ है परिणीति चोपड़ा ने श्रद्धा गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है नीना गुप्ता ने सबीना सिद्दीकी का रोल प्ले किया हुआ है सारिका ने माला त्रिवेदी का रोल प्ले किया हुआ है डेनी देन गोप्पा ने इस फिल्म में भूपेन का रोल प्ले किया हुआ है नफीसा अली ने अभिलेसा श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है श्री दास ने इस फिल्म में

और उनकी जर्नी जहाँ पे डेनिक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद पूरी तरह से कहानी में ट्विस्ट आता है और वो फ्रेंडशिप है उसकी ओरिजिनल वैल्यू दिखाई जाती है इसके अलावा इस फिल्म में नीना गुप्ता सारिका उनको भी साइन किया गया था जहाँ पे सारिका काफी लंबे समय के बाद करीबन 2016 में बार बार देखो फिल्म में दिखी थी उसके बाद उनका एक कम था इसके अलावा अक्टूबर दो में बताया गया था कि परिणीति चोपड़ा आपको टूरिस्ट गाइड के रोल में इस फिल्म में देखने को मिलेगी इसके अलावा नफीसा अली को इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट कास्ट किया गया था टेलीविजन एक्टर्स हरीदास और अभिषेक सिंह पठानिया को इस फिल्म में एक चांस दिया गया था जहाँ पे उनका ये बॉलीवुड डेब्यू था तो इस तरह से कास्टिंग के ऊपर भी काम किया गया फिल्म की फिल्मिंग की शुरुआत अक्टूबर दो को की गई थी परिणीति चोपड़ा अनुपम खेर और बोमन ईरानी के साथ वहीं पे अमिताभ बच्चन ने फिल्म के सेट को दिसंबर दो में ज्वाइन किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के लोकेशन अलग अलग जगह के रखे गए थे खास करके नेपाल में लुकला काठमांडू में फिल्म को शूट भी किया गया था वहीं पे इस फिल्म को कारगिल दिल्ली मुंबई उत्तर प्रदेश में शूट किया गया था मार्च 2022 तक इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा ने अपने पोजन को कंप्लीट कर लिया था वहीं पे बाकी की काश ने पूरी तरह से फिल्म को दो अप्रैल 2022 तक शूट तरीक करके कंप्लीट करवाया होता है तो इस तरह से फिल्म की जो शूटिंग है उसके ऊपर काम किया गया था साउंड रेक के ऊपर बातचीत करे तो गानों को कंपोज किया हुआ है अमित त्रिवेदी ने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जोर जोसेफ ने इन गानों के राइट से उसी म्यूजिक कंपनी के पास दो हजार इक्कीस बाईस में रिकॉर्ड किए गए थे अट्ठारह अक्टूबर दो हजार बाईस को इसको ऑफिशियल यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में एक गाने कुछ गाने पुराने सुनने को मिलते है। ये जीवन है किशोर कुमार का वहीं पे नाइनटीन सेवनटी टू का पिया का घर है वो गाना भी इस फिल्म में डाला हुआ है तो ये कुछ गाने जो इस फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से सेट किए हुए इसके अलावा और भी कई ऐसे गाने जो इस फिल्म के प्लॉट में सेट किए हुए इसके इसके अलावा अलावा केटी को इसके अलावा अरे वो अंकल कर दे लड़की पहाड़ी सवेरा और लड़की पहाड़ी, वजन, लड़की पहाड़ी पहाड़ी बोनस वर्जन मोहित चौहान वर्जन इस तरह से अलग अलग गाने जिसको फिल्म में सेट किया हुआ था ये गाने अभी फिलहाल मैं आप ऑफिशियली पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो तानी के ऊपर बातचीत करे जिस तरह से मैंने कहा कि तीन एज फ्रेंड है अमित ओम जावेद जहाँ पे वो एक एवरेस्ट बेस कैंप में ट्रेक के लिए जाते हैं जो अपने चौथा दोस्त है भूपेन उसकी लास्ट विश पूरी करने के लिए और उसको बाद में ज्वाइन करती है माला इसके बाद में जब वो जाते तभी उनको ज्वाइन कर लेते इसके अलावा इसके इसमें आपको टूरिस्ट के रोल में देखने को मिलेगी श्रद्धा गुप्ता का किरदार प्ले करे पर चोपड़ा वो और इन सभी जर्नी में पर्सनल इमोशनल स्पिरिचुअल जर्नी देखने को मिलती है जहाँ पे इन एजेड पर्सन की जो फिजिकल लिमिटेशन है उसके बावजूद वो जिस तरह से फ्रीडम का फ्रेंडशिप का एक जो ट्रू वर्ड डिस्कवर करते वो फिल्म की कहानी को और बेहतर बनाता है जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन बढ़िया था कहानी के डायलॉग अच्छे थे स्टोरी का आइडिया अच्छा था हाँ फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था फिल्म को करीबन पंद्रह बीस मिनट जो जितना छोटा किया जा सकता था जो तीन घंटे के आसपास की फिल्म है उसको करीबन ढाई घंटे के आसपास का बनाया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म की स्टार कास्ट की जो परफॉर्मेंसेस है वो लाजवाब है फिल्म में सभी की नेचुरल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है टेक्निकली फिल्म काफी मजबूत नजर आती है सिनेमाटोग्राफी जिस तरह से लोकेशन दिखाए वो बढ़िया है एडिटिंग का काम में जैसे कहा मैंने बीस मिनट

लेकिन क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से खास करके जो एक बड़ी लेंथ रखी हुई एक करोड़ सत्तर लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था दूसरे दिन तीन करोड़ चौसठ लाख का तीसरे दिन चार करोड़ इकहत्तर लाख का तो इस तरह से फिल्म का पहला वीकेंड दस करोड़ सोलह लाख का इंडिया से निकला हुआ था दूसरा वीकेंड था छह करोड़ छह लाख का तीसरा वीकेंड दो करोड़ बीस लाख का वहीं पे चौथा वीकेंड है वो एक करोड़ तेईस लाख का तो इस तरह से फिल्म ने चार वीकेंड निकाले हुए थे और पहले वीक में सत्रह करोड़ बीस दो लाख का कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से दूसरे वीक में नौ करोड़ चालीस लाख का तीसरे वीक में तीन करोड़ चालीस लाख का चौथे वीक में एक करोड़ नब्बे नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने टोटल जो चार वीक का नेट कलेक्शन है वो करीबन इकतीस करोड़ अड़सठ लाख का किया हुआ था वहीं पे ओवरसीज में इस फिल्म ने थोड़ा डिसेंट कलेक्शन करते हुए करीबन आठ करोड़ अट्ठाईस लाख का ओवरसीज का कलेक्शन था तो इंडिया का जो क्रोस कलेक्शन

के ऊपर इंच टू तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था और इस फिल्म को आई पे करीबन 3600 वोट मिले हुए जिसमें सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से जो परफॉर्मेंसिस जो डायरेक्शन स्क्रीन प्ले उसके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था लेकिन क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से खास करके जो एक बड़ी लेंथ रखी हुई 170 मिनट की वो ज्यादा इक्का लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था दूसरे दिन तीन करोड़ चौसठ लाख का तीसरे दिन चार करोड़ इकहत्तर लाख का तो इस तरह से फिल्म का पहला वीकेंड दस करोड़ सोलह लाख का इंडिया से निकला हुआ था दूसरा वीकेंड था छह करोड़ छ लाख का तीसरा वीकेंड दो करोड़ बीस लाख का वहीं पे चौथा वीकेंड है वो एक करोड़ तेईस लाख का तो इस तरह से फिल्म ने चार वीकेंट निकाले हुए थे और पहले वीक में सत्रह करोड़ दो लाख का कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से दूसरे वीक में नौ करोड़ चालीस लाख का तीसरे वीक में तीन करोड़ चालीस लाख का चौथे वीक में एक करोड़ नब्बे तो इंडिया से इतना वीक बाय वीक फिल्म ने नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने टोटल जो चार वीक का नेट कलेक्शन है वो करीबन इकतीस करोड़ अड़सठ लाख का किया हुआ था वहीं पे ओवरसीज में इस फिल्म ने थोड़ा डिसेंट कलेक्ट करते हुए करीबन आठ करोड़ अट्ठाईस लाख का ओवरसीज का कलेक्शन था तो इंडिया का जो ग्रोस कलेक्शन था वो करीबन अड़तीस करोड़ के आसपास का था और से कलेक्शन करोड़ करोड़ के 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 आसपास का तो इस तरह बीच में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे इस फिल्म डिसेंट कलेक्शन करते हुए तो बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टेग ले लिया तो इस तरह से उच्च फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जहाँ पे इस फिल्म के जो टी टी से वो सी स्टूडियो के पास जिन्होंने इस फिल्म के ओ टी टी

के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली टेलीविजन और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर सकते हो

जहाँ पे इस फिल्म को राजसरी प्रोडक्शन महावीर जिन फिल्म और बाउंडलेस मीडिया के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था इस फिल्म को करीबन पंद्रह बीस करोड़ का एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को यशराज फिल्म्स ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था सिनेमेटोग्राफी मनोज कुमार खटोई ने की हुई थी एडिटिंग श्वेता वेंकट मेथ्यू ने की हुई थी इस फिल्म को 170 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे 50 मिनट की देखने को मिलेगी करीबन पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जुआ जो है जो अपने काम किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म में टोटल सात गाने सभी वर्जन को मिला म्यूजिक के राइट से जी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म के जो गाने हैं वो अलग अलग तरीके से कंपोज करा गए थे अलग अलग आर्टिस्ट के पास कंपोज करा गए थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है वो जीवर जो उसे अपने कंपोज किया हुआ था फिल्म के गाने को अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे आर्टिस्ट के बारे में जैसे कि फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे अमित श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है अनुपम खेर ने ओम शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है बोमन ईरानी ने जावेद सिद्दीकी का रोल प्ले किया हुआ है परिणीति चोपड़ा ने श्रद्धा गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है नीना गुप्ता ने सबीना सिद्धिकी का रोल प्ले किया हुआ है सारिका ने माला त्रिवेदी का रोल प्ले किया हुआ है डेनी दे ने इस फिल्म में भूपेन का रोल प्ले किया हुआ है नफीसा अली ने अभिलेषा श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है श्री दास ने इस

मुंबई उत्तर प्रदेश में शूट किया गया था मार्च 2022 तक इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा ने अपने पोस्टन को कंप्लीट कर लिया था वहीं पे बाकी की काश ने पूरी तरह से फिल्म को अप्रैल दो तक शूट तरीक करके कंप्लीट करवाया होता है तो इस तरह से फिल्म की जो शूटिंग है उसके ऊपर काम किया गया था साउंड ट्रेक के ऊपर बातचीत करें तो गानों को कंपोज किया हुआ है अमित त्रिवेदी ने बैकग्राउंड किया हुआ के पास है में, में अवेलेबल किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में गाने कुछ गाने पुराने सुनने को मिलते ये जीवन है किशोर कुमार का वहीं पे नाइनटीन का पिया का घर है वो गाना भी इस फिल्म में डाला हुआ है तो ये कुछ गाने जो इस फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से सेट किए हुए अलावा और भी कई ऐसे गाने जो इस फिल्म के प्लॉट में सेट किए हुए इसके अलावा केटी को इसके अलावा अरे वो अंकल हा कर दे लड़की पहाड़ी सवेरा और लड़की पहाड़ी बोनस वर्जन लड़की पहाड़ी मोहित चौहान वजन इस तरह से अलग अलग गाने जिसको फिल्म में सेट किया हुआ था एक गाने अभी फिलहाल में आप ऑफिशियली यूट्यूब पे जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो कहानी के ऊपर बातचीत करें जिस तरह से मैंने कहा कि तीन एज फ्रेंड है अमित ओम जावेद जहाँ पे वो एक एवरेस्ट बेस कैंप में एक ट्रिक के लिए जाते हैं जो अपने चौथा दोस्त है भोपिन उसकी लास्ट विश पूरी करने के लिए और उसको बाद में ज्वाइन करती है माला इसके बाद में जब वो जाते हैं तभी उनको ज्वाइन कर लेती है इसके अलावा इसके इसमें आपको टूरिस्ट के रोल में देखने को मिलेगी श्रद्धा गुप्ता का किरदार प्ले करे पर चोपड़ा वो और इन सभी जर्नी में पर्सनल इमोशनल स्पिरिचुअल जर्नी देखने को मिलती है जहाँ पे इन एजेड पर्सन की जो फिजिकल लिमिटेशन है उसके बावजूद वो जिस तरह से फ्रीडम का फ्रेंडशिप का एक जो ट्रू वर्ड डिस्कवर कर थे वो फिल्म की कहानी को और बेहतर बनाता है जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन बढ़िया था कहानी के डायलॉग अच्छे थे स्टोरी का आइडिया अच्छा था हाँ फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था फिल्म को करीबन पंद्रह बीस मिनट जो जितना छोटा किया जा सकता था जो तीन घंटे के आसपास की फिल्म है उसको करीबन ढाई घंटे के आसपास का बनाया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म की स्टारकास्ट की जो परफॉर्मेंस वो लाजवाब फिल्म में सभी की नेचुरल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है टेक्निकली फिल्म काफी मजबूत नजर आती है सिनेमेटोग्राफी जिस तरह से लोकेशन दिखाए वो बढ़िया है एडिटिंग का काम में जैसे कहा मैंने बीस मिनट जितनी छोटी की जा सकती थी म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स काफी बढ़िया है फिल्म के हिसाब से तरह से सेट हुए रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 11 नवंबर 2022 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था जहां पर क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था और इस फिल्म को आई पे करीबन छत्तीस वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म को क्रिटिक्स के तरफ से जो है जो डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी उसके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था लेकिन क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से खास करके जो एक बड़ी लेंथ रखी हुई 170 सौ सत्तर मीट की वो ज्यादा इक्का लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था दूसरे दिन तीन करोड़ चौसठ लाख का तीसरे दिन चार करोड़ इकहत्तर लाख का तो इस तरह से फिल्म का पहला वीकेंड दस करोड़ सोलह लाख का इंडिया से निकला हुआ था दूसरा वीकेंड था छह करोड़ छह लाख का तीसरा वीकेंड दो करोड़ बीस लाख का वहीं पे चौथा वीकेंड है वो एक करोड़ तेईस लाख का तो इस तरह से फिल्म ने चार वीकेंड निकाले हुए थे और पहले वीक में सत्रह करोड़ बीस दो लाख का कलेक्शन किया होता था इंडिया से दूसरे वीक में नौ करोड़ चालीस लाख का तीसरे वीक में तीन करोड़ चालीस लाख का चौथे वीक में एक करोड़ नब्बे इंडिया से इतना वीक वीक बाय फिल्म फिल्म ने ने नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इस इस तरह से इस फिल्म ने टोटल जो चार वीक का नेट कलेक्शन है वो करीबन इकतीस करोड़ अड़सठ लाख का किया हुआ था वहीं पे ओवरसीज में इस फिल्म ने थोड़ा डिसेंट कलेक्शन करते हुए करीबन आठ करोड़ अट्ठाईस लाख का ओवरसीज का कलेक्शन था तो इंडिया का जो क्रोस कलेक्शन क्शन था वो करीबन अड़तीस करोड़ के आसपास का था और वर्ष का ग्रोस कलेक्शन करीबन नौ करोड़ के आसपास का तो इस तरह से पिस्तालीस के पचास करोड़ के बीच में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करके दिखाया जहां पे इस ये करते हुए तो जहाँ पे इस फिल्म के जो ओटीटी वो सी स्टूडियो के पास जिन्होंने इस फिल्म के ओ टी और म्यूजिक के राइट्स रखे हुए हैं तो आपको इस फिल्म का म्यूजिक उनके जी म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर

ही तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू